अगर हम सेकंड वीडियो में बात करें तो हमारे जो इश्यू ऑफ शेयर्स होते हैं, 1 लाख के शेयर्स 10 रुपये ईच में हुए, अप्लाइड मनी जो था वो 5 रुपये था, अलॉटेड 3 था और फर्स्ट कॉल 2। तो हमारे इशू ये जो हो रहे हैं वो पार्ट पे हो रहे हैं कि पूरा का पूरा मनी हमारे पास वापस आ रहा है। तो हमने पहली एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जिसमें हमने मल्टीपल करे तो हमारा पहला रुपये तो आ गए 5 लाख रुपीज़, क्योंकि हमारे जो 5 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी थी 1 लाख के हमारे शेयर्स थे, तो 1 लाख × 5 कर दिया तो शेयर एप्लीकेशन। ऐसी दूसरी हमने इसकी ड्यू की एंट्री करी, जो हमने मनी ट्रांसफ़र करा कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसमें हमने मल्टीपल कर दिया अलॉटेड मनी से। अलॉटमेंट मनी इसमें 2 रुपीज़ है और फिर उधर 3 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है मतलब इधर, तो आप ये 3 अमाउंट लिखना है अलॉटेड मनी में, 3 लाख 3 लाख और उधर 2 लाख 2 लाख, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। सिंपल सी एंट्री बन रही है, जो है आप अगर आपने एंट्री याद कर ली है कि आपका जो पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बनती है, और पैसा जब ड्यू होता है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही आपकी फर्स्ट कॉल की बनती है, ऐसे आपकी सेकंड कॉल की बनती है। नीचे मैंने एक आपको टेबल बनाना सिखा रखी है, आप इसमें ऐसे भी करके लिख सकते हो, अगर जो मनी ड्यू है उसे आप लिख सकते हो इधर, और जो मनी रिसीव है वो आप इधर लिख सकते हो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर टिक लगाना है तो आपको ये टेबल से काम चल जाएगा। ड्यू वाले अमाउंट बनाओ, रिसीव वाले अमाउंट बनाओ और देन ले लो। और प्रीमियम अगर आ रहा है एक्स्ट्रा पैसा तो प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करो। और कभी कभी क्या होता है, हमने 5,000 के शेयर्स, 50,000 के शेयर्स थे वो हमें इशू हुए, हमने उसमें 55,000 कमाए, तो 5,000 का तो प्रीमियम हो गया, प्रीमियम का अमाउंट हमारा ऐड होता है तो हमारे रिसीव में भी ऐड हो जाएंगे वो पैसा। कुछ कभी कभी डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट का अमाउंट हम लेस करते हैं तो वो रिसीव में भी, डिस्काउंट में भी माइनस हो जाएगा। कभी कभी कुछ पैसा हम नहीं दे पाते, एरियर हो जाता है तो एरियर का पैसा भी माइनस होता है तो वो भी माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम टेबल के थ्रू भी जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। अब कुछ शेयर्स जो होते हैं वो इशू होते हैं एक्सपेंसेस पे, फॉर शेयर्स जब इशू हो रहे हों एक्सपेंसेस पे, तो उसकी जो मेनली जो क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, 10 नंबर का ये चैप्टर बोर्ड में आ रहा है 12 नंबर का, तो या तो एंट्रीज दे देंगे, एंट्रीज आपको पूछी रहेगी उस पर टिक मार्क करना होगा, या कभी कभी आपको कुछ शेयर्स इशू हो रहे हैं उसका अमाउंट दे देंगे, अमाउंट कैलकुलेट करके आपको उस पर टिक मार्क करना होगा। तो इसलिए आपको जनरल एंट्री सारी याद होनी चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब दूसरा है आपको शेयर इशू हो रहे हैं एक्सपेंसेस पे, तो उसकी एंट्री बनती है शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि शेयर इशू हो रहे हैं प्रोमोटर्स को तो बनेगी इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या टू प्रोमोटर्स, टू शेयर कैपिटल अकाउंट या टू प्रोमोटर अकाउंट। टू प्रोमोटर हम नहीं लिखते हैं, पहले हम लिख सकते थे लेकिन लास्ट ईयर से बोल्ड में ये चीज़ डिलीट हो गई, इसलिए आपको शेयर कैपिटल अकाउंट ही लिखना होगा। यदि शेयर आर इशू हो रहे हैं टू अंडरराइटर फॉर हिज कमीशन, तो आपको लिखना होगा इधर अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। और दूसरी एंट्री बनेगी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये जनरल एंट्री सारी याद कर लीजिए। 1 लाख, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख के शेयर इशू हो रहे हैं 10 रुपये ईच से, जिसमें एप्लीकेशन मनी 3 की है, अलॉटेड मनी 2 की है, फर्स्ट कॉल मनी 2 है एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल में बैलेंस है, और साथ में जो हमारे 2 रुपये हैं उसमें हमें साथ में जो इशू हो रहा है इसमें तो सिंपल है आपका पार पे ही हो रहा है, तो आप पार वाली एंट्री सारी कर देंगे। अगर 2 रुपये एक्स्ट्रा इशू हो रहे होते एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा होता तो आप अलॉटेड मनी पे प्रीमियम लेते, और प्रीमियम हमेशा ही, जब हमारा प्रीमियम क्या है एक तरीके का फ़ायदा है, हम शो नहीं करेंगे प्रीमियम को, इसमें शो नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, और साथ में हम इधर प्रीमियम शो नहीं करेंगे। हाँ, अगर कंपनी का प्रीमियम नहीं मिल पाया फॉरफिचिट वाले केस में तो वो प्रीमियम के लिए बार बार बोलेगी, कंपनी को जब पैसा नहीं मिल पाता तो कंपनी परेशान हो जाती है, तो वो कंपनी के लिए लॉस हो गया है तो उसे हम डेबिट में शो करते हैं प्रीमियम पे। लेकिन जब शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को प्रीमियम मिल रहा है, तो वो सिर्फ अमाउंट में शो होगा, कहीं भी हम एंट्री में नहीं दिखाते हैं, बट अमाउंट में उसका अमाउंट ऐड कर देते हैं। जितने रुपये का प्रीमियम हो रहा है वो सिर्फ फाइनल रिसीव कॉल में आपका ऐड हो जाएगा, अदरवाइज कहीं और शो नहीं होता। तो ये सारे मैंने बेसिक्स पर आ रखे हैं, तो ये बेसिक की सारी जनरल एंट्री है। अब जैसे इशू ऑफ शेयर्स 20,000 के थे, 20,000 के शेयर इशू हुए 10 रुपये ईच के, 20 रुपये ईच के, 5 का प्रीमियम, तो एप्लीकेशन मनी 5 हो गई, अलॉटेड मनी 10 हो गई, फर्स्ट कॉल मनी 3 हो गई, सेकंड कॉल मनी 2 हो गई, क्योंकि आपको 5 का प्रीमियम था, 5 का प्रीमियम था तो आपको अमाउंट लेना है 10 रुपीज़, तो 5 प्लस 5 करोगे आप, तो 5 तो अलॉटेड मनी और 5 आपकी प्रीमियम मनी,
जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जितना भी रिसीव में है, रिसीव में तो आप 10 रुपीज़ से ही मल्टीप्लाई करके डालोगे क्योंकि आपको 10 रुपये का ही हुआ है, लेकिन जो प्रीमियम है प्रीमियम की भी आप एंट्री शो करोगे, पीछे मैंने थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन प्रीमियम की भी एंट्री आप शो करते हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू वाले में, ड्यू में हमेशा से आपकी प्रीमियम की एंट्री शो होती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि वो हमारा कैरेट है, क्योंकि वो हमारा फ़ायदा है। जब भी हमें पैसा मिलता है, जो भी हमें पैसा मिल रहा है प्रीमियम पे, तो हमारे लिए वो फ़ायदा है, तो हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डालते हैं। और जो हमारा अमाउंट है, शेयर्स जितने हैं, जैसे 1 लाख के शेयर्स थे या 20 हज़ार के शेयर्स थे, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया जितना हमारा प्रीमियम है। जैसे 5 रुपये का प्रीमियम है तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो अमाउंट आपका इधर आ जाएगा। अब इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, मतलब आप कैश के थ्रू ना दे के आप कंसीडरेशन के थ्रू दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कंसीडरेशन दे रहे हो। जब आप इशू ऑफ शेयर्स पे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब पैसा तो दे ही रहे हो, जैसे 10 हज़ार के शेयर्स थे तो 10 हज़ार तो आपको पैसा दे ही रहे हो, साथ में 15-20 और दे रहे हो, मतलब दिवाली बोनस या कुछ बोनस दे रहे हो, कुछ और एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री देख लीजिए। जब आपकी परचेज हो रही होती है, एसेट तो होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर ने परचेज करी। इफ़ आपका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, एक नोट देखो, इफ़ इट इज़ अ रनिंग बिजनेस, एक्स परचेज वाई बिजनेस, सो एक्स आल्सो रिसीव हिज एसेट एंड लाइबिलिटी। अगर एक्स ने परचेज कर लिया वाई का बिजनेस को चलता हुआ, तो उसकी उसने एसेट भी खरीद ली और लाइबिलिटी भी खरीद ली। लाइबिलिटी मतलब जो उधारी है एक्स के ऊपर, वो पे आउट करेगा, और जो उसने चीज़ें परचेज कर रखी हैं वो भी उसे भी वो एंजॉय करेगा। तो सारी चीज़ें उसके पास आ गई, तो एक तो जनरल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट हो गई। अब कब जब उसे हर चीज़ पे आउट भी करनी है, मतलब उसे लाइबिलिटी भी देनी है, तो क्या होगा, टू लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर जो एंट्री बनती है उससे वो तो बनेगी बनेगी, साथ में उसे लाइबिलिटी भी पे करनी है, उसमें टू लाइबिलिटी अकाउंट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व हमेशा ही बैलेंसिंग फिगर होती है, लाइबिलिटी जो जितनी उसे पे करनी है उसके लिए वो लाइबिलिटी, जैसे 4 लाख रुपये की उधारी थी, जो 4 लाख रुपये से बनेंगे तो 4 लाख रुपये आएंगे, और वेंडर का जो अमाउंट है वो आएगा, और वेंडर का अमाउंट आने के बाद जैसे कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व में डालोगे। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ पेमेंट के लिए पैसा लेना होता है, तो पेमेंट का जब पैसे की बात होती है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश टू बीपी, कोई भी चीज़ आप पेमेंट कर रहे हो तो वो चेक के थ्रू भी कर सकते हो, कैश के थ्रू भी कर सकते हो, बिल्स पेबल दे के भी कर सकते हो, शेयर कैपिटल दे के भी कर सकते हो। तो टू बीपी कैश और शेयर कैपिटल इस सब से आएगा। और फिर अगर हम इसके नोट की बात करें, शेयर इशू हुए हैं प्रीमियम पे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जो शेयर्स इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं वो अमाउंट पेबल, जितना अमाउंट आप दे रहे हो और जितना वैल्यू ऑफ शेयर्स है, जैसे कि अमाउंट पेबल कर रहे हो 1 लाख रुपये के शेयर्स आपने पेबल कर रहे हो 10 रुपये, तो 1 लाख/10, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी बिजनेस वाई लिमिटेड से 9 लाख रुपये की और पेबल करे फुली पेड अप 10 रुपीज़ के ईच शेयर्स एक्स्ट्रा इफ बुक इन द बुक ऑफ एक्स। अब जो एक्स के पास थे उसने 9 लाख की पेबल करे, एक्स ने परचेज करी बिजनेस वाई लिमिटेड से 9 लाख रुपये में और फुली पेड अप कर दिए 10 रुपये ईच से, तो एसेट उसने परचेज करी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू किससे करी, वाई से, तो 9 लाख हो गई। अब वाई लिमिटेड ने पैसा बिजनेस के लिए लिया तो फिर वाई लिमिटेड, क्योंकि उसके बाद बिजनेस आई, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख/9 लाख। अब अगर ये शेयर इशू होगा प्रीमियम पे, अब प्रीमियम जो दे रहा है वो 25% का दे रहा है, तो अगर हम 25% निकालें 10 रुपीज़ का शेयर, क्योंकि हम शेयर्स के वैल्यू से मतलब होता है इसमें, तो हमारा जो प्रीमियम बैठा वो 2.5 का बैठा, तो 10 रुपये के शेयर्स हो गए, 2.5 का प्रीमियम हो गया, तो शेयर कैपिटल आप निकालोगे तो 10 × 2.5, तो 10 × 2.5 निकाला तो आपके 12.5 हो गए, तो 12.5 को आप ऊपर लोगे वो आपके फाइनल अमाउंट हो गए, एंड देन सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट था वो, और साथ में शेयर कैपिटल जो अमाउंट